ये दोस्तों हम रात को निकले हैं, इसकी बुग्गी है बहुत छोटी सी, मैं नीचे उतर के वो भी दिखाऊंगा। तो अभी हम इसकी राइड पे निकले हैं और तकरीबन 10 किलोमीटर की ये बता रहे हैं, 10 किलोमीटर की राइड घूम के आएंगे इस पर। रात में चल रहे, चारों तरफ अंधेरा, ये देखें पीछे रह गया शहर और ये इधर सब तरफ जंगल है, वो आगे गाड़ी गई है, ये देखें जंगल है बिल्कुल, ये घोड़ी चल रही है। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ, और ये हम हैं, हेलो। ठीक है, अब बुग्गी बहुत छोटी, देखें ये देखें, दो ही आदमी इस पर बैठ सकते हैं, देखें। बहुत शानदार बुग्गी इन्होंने बनवाई हुई है और ये आए दिन इस पर सैर के लिए जाते रहते हैं, इसको लेके बड़ा आनंद मिलता बताते हैं, बड़ा सुकून मिलता है इस पर रात को, थोड़ा इसको ड्राइव पर लेके जाते हैं इसे। ठीक है जी, ये देखिए, ठीक है ना। तो अभी भी ये कम से कम काफ़ी तेज चल रही है, चल ठीक है। रिसेंटली कबूतर खरीद के दिए डॉक्टर साहब, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अच्छे कबूतर की पहचान क्या करोगे आप रात में? आपको कबूतर रात में देखना है, और आप अच्छे कबूतर की नस्ल कैसे ढूंढोगे रात में? जैसे अंधेरा है, आप किसी जगह पे चले गए, अच्छा, जैसे हम घोड़ा देख के, घोड़े की चाल देख के समझ जाते हैं कि अच्छा कबूतर, अच्छा घोड़ा है, वैसे आप अगर कबूतर के जानकार हो, आपको रात में कबूतर ढूंढना है तो आप क्या करोगे, कबूतर में क्या चेक करोगे? चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो दोस्तों हम तो इसे खैर राइड कर रहे थे, इसे बैठे बैठे और वीडियो बना रहे थे, भाई ने बीच में सवाल कर दिया, चलो मैं कहा चलो जवाब भी दे देते हैं यार, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने कि अंधेरे में यार कबूतर की शक्ल भी नहीं दिख रही, रंग भी नहीं दिख रहा, उसका कदकाठ भी नहीं दिख रहा, उसकी आँख भी नहीं दिख रही, तुम अब अंधेरे में कैसे कबूतर पास करोगे कि ये कबूतर अच्छा है? तो हमने बताया था फीलिंग, कबूतर को स्कैन करना, कबूतर के बॉडी स्ट्रक्चर को स्कैन करना कि उसका वजूद क्या है, उसकी उंगली क्या कह रही है, गर्दन की हड्डी क्या कह रही है, ठीक है ना, और उसका वो हड्डी जोड़ जो बोलते हैं वो देखना खाली, अगर वो चीज़ हाथ में, हाथ बाजा कबूतर ऐसा होता है सम्राट भाई कि अगर हम उसको हाथ में ऐसी पकड़ लेते ना, पकड़ लेते तो उसको पता चलता है बहुत हाई क्वालिटी का है। देखो डॉक्टर साहब, उसकी आँख देखने की, रात में आँख देखने की जरूरत नहीं है, दिन में भी आँख देखने की जरूरत नहीं है, खाली बॉडी स्ट्रक्चर कहता है कि सबका बाप है। डॉक्टर साहब, अगर आपने बोल दिया कि बॉडी स्ट्रक्चर सबका बाप है, तो बॉडी स्ट्रक्चर में जैसे आपने आपकी वीडियोस में सिखाया कि छाती की हड्डी कितनी होनी चाहिए, जोड़ की हड्डी में कितना गैप होना चाहिए, या कबूतर ओवरऑल किस स्ट्रक्चर का होना चाहिए, लेकिन देखो आप हाथ लगाने के बाद अगर रात में अगर आप कबूतर देख रहे हो, तो आपको कबूतर में हड्डी जोड़ कैसा चेक करना चाहिए, उसकी छाती की हड्डी कितनी लंबी होनी चाहिए, मैंने भी क्या बोला उसकी यार? अगर फीलिंग है तो वो फीलिंग कैसी होनी चाहिए, वो मुलायम होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए, वो कॉटन जैसी होनी चाहिए, वो नायलॉन जैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये बताओ। तो आपने जो ये सवाल किया, उसकी फीलिंग कैसी होनी चाहिए, हड्डी जोड़ तो जैसे हम बताते हैं हमेशा, ठीक है ना, मुलायम ही होने चाहिए उनके, ठीक है, और उसमें हल्के खुले भी चल जाएंगे, बंद हो तो बेटर है, हल्के खुले भी चल जाएंगे, और मुलायम होने ज़रूरी, सख्त नहीं चल पाएंगे, सख्त में हर कबूतर कामयाब नहीं होता, सख्त में ऐसा हो जाता है मानो ब्लड लाइन का कबूतर है तो वो चल जाएगा, वो पास है, नहीं तो आप उसकी उड़ान नहीं ले सकते, कंफर्म नहीं है कि ये उड़ान शाम तक देगा या नहीं देगा। डॉक्टर साहब, अगर आपने ये हड्डी और जोड़ का अगर बोल दिया, तो मेरे को बताओ आप पर कैसे सेट करोगे, उसके पर कैसे चेक करोगे, अंधेरे में अगर उसके तलवार पर है या फिर और तीर पर है, वो या फिर हाथ में, देखो जिस अगर ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली पहले हाथ में पकड़ के देखे हुए हैं, पर बाजू किला वगैरह हाथ से, तो वो हाथ में महसूस देता है कि हमने सुई पकड़ा या सुहा पकड़ा है, क्या समझे? बिल्कुल सही है बात, सुई पकड़ा गया या सुहा पकड़ा है, तो ऐसे ही उसके पर का पता चलेगा हमको कि यार पर लंबा है, दिख रहा है, और उसका एक हम बताते हैं पर को फोल्ड करके देखो कि मुलायम है या नहीं है, वो लचक ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो उसमें उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ तो हम खैर कबूतर की आंख बंद करके भी हम उसके पर की क्वालिटी देख सकते हैं कि हाँ उसके पर में लचक है या नहीं है, बाजू कैसी है, वो सब दिख जाता, फीलिंग होनी चाहिए, जो हम कहते हैं कि हाँ हर चीज़ को फील करना सीखो कबूतर की, जो अंदर की खासियत है, ठीक है ना, खाली आंख को देखकर हम उसकी क्वालिटी बता सकते हैं कि कितना अच्छा बढ़िया है कबूतर,
ठीक है, बाकी उसके अलावा आँख को छोड़ के बाकी उसकी सारी फीलिंग आप बिना उसको देखे हाथ में पकड़ के बता सकते हो कि हाँ ये बेटर है। डॉक्टर साहब, काफी लोग ऐसा आज समझते हैं कि अगर कबूतर खड़ी उड़ान का या खड़ी गर्दन का कबूतर है तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से उड़ेगा, और आपका कहना है कि कबूतर आप हाथ में पकड़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि कबूतर किस क्वालिटी का है। अच्छा, अगर आप कबूतर की खड़ान नहीं देख रहे हो और आपको कबूतर का खेत समझना है तो आपको कबूतर की हड्डी में क्या देखना चाहिए कि ये कबूतर खड़ी, मतलब खड़ी गर्दन का है कि ये कबूतर झुक के चल रहा है, ये क्या काम करेगा, ये किस किस मुकाम तक ये जाएगा। इसके लिए आप मतलब अगर रात को आपको कम अंधेरे में या कम लाइट में, कम रोशनी में आपको कबूतर देखना है तो आप क्या क्या बताओगे आपके दर्शकों को कि आपको ये देखना चाहिए कबूतर में, कि आप रात को किसी के घर में चले गए और आपको कबूतर अच्छा खरीदना है। वो वही बात है जो मैंने पहले रिपीट की है, बॉडी स्ट्रक्चर ही उसका बताएगा कि ये जो हम बताते चुभने वाली हड्डी, मुलायम हड्डी, जोड़ बंद, गैप कम होना चाहिए, मेन चीज़ यही देखनी होती है। बस सॉफ्टनेस देखना बहुत ज़रूरी है उसकी हड्डियों में। अगर वो चीज़ आप नोट नहीं कर रहे हो उसके बॉडी में, सॉफ्टनेस होना ज़रूरी है। अगर हार्डपन है तो वो बहुत कम कामयाब मिलेगा, अगर सॉफ्टनेस है, जैसे आज हम इनके घर बैठे थे तो रफीक भाई थे, हाँ तो रफीक भाई कह रहे थे कि इमरान भाई वो पंजाबी बोल रहे थे इनमें सॉफ्टनेस खत्म होती जा रही। बिल्कुल, वो सॉफ्टनेस खत्म इस होने की वजह से कबूतर में उड़ाने भी कम होती जा रही हैं। कबूतर का पर जितना हार्ड रहेगा ना उसमें, जैसे एक फिटकड़ी नहीं होती, फिटकड़ी, बिल्कुल, और शेविंग जैसे नाई की दुकान पे, सैलून पे जाके हम क्या कहते हैं, सेव वगैरह कराते हैं, उसके बाद नई फिटकड़ी रगड़ता है तो हमारी स्किन खुश्क सी हो जाती है ना। बिल्कुल सही है। अगर कबूतर में ऐसा महसूस दे रहा तो समझो इसमें उड़ान नहीं मिलेंगी आपको ज्यादा। अच्छा, 100% गारंटी है ये बराबर। उस कबूतर में कोई खास ज्यादा आपको उड़ान नहीं मिलेगी, वही 2-4 घंटे का मिलेगा, मगर सॉफ्टनेस है तो कबूतर शाम का मालिक है, ठीक है। मगर खाली सॉफ्टनेस नहीं काम करती है। होती गुबारा, ये हम चल रहे हैं भाई आज सैर करते करते, देखो शहर की तरफ आ गए हम। ये घोड़ी चिल्ला रही है, ये इसलिए आवाज़ कर रही है, ये सूंघ लिया इसने कि हम घर के पास में आ गए। तो जैसे हम कह रहे थे कि सॉफ्टनेस और हार्डनेस, हार्डनेस अगर कबूतर के परों में है, रुखापन है, तो उसमें आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। तो ये देखा जा रहा है कबूतर मुलायम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कबूतर उड़ान नहीं दे पा रहा है। अच्छा, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? तो ये दोस्तों हम जो है राइड पे निकले हुए थे, ठीक है, तो उस पे सम्राट भाई ने हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की हुई थी। तो जैसे हम फार्म हाउस पे पहुंचे तो आपने देखा, मैंने बताया कि भाई घोड़ी को पता लग गया हम घर के पास आ गए। वो सम्राट भाई बता रही है घर के पास में आने पे सिग्नल देती, बोलती है कि मैं आ गई घर, वो बोलती। तो वो लैन मेरे को बात अच्छी लगी उसकी, देख के भी हरकत अच्छी लगी, घोड़ी घर के पास जैसे आती तो बोल देती है कि मैं आ गई। तो टॉपिक हमारा वहाँ पर रुक गया था, तो वो टॉपिक ऐसे था दोस्तों, जैसे सम्राट भाई ने बताया, पूछ रहे थे ये सवाल कि कबूतर लोग बाग चाने में तो देख के बता देते ये अच्छा है बुरा है, कैसी क्वालिटी है। तो बहुत अच्छा सवाल किया, आज तक मेरे पूरे YouTube के इतिहास में ऐसा सवाल नहीं है, ना किसी ने कुछ ऐसा पूछा, और हमने उसका जवाब दिया और बताया हमने कि हाँ कबूतर में हमें कैसे देखना चाहिए। तो वो सारा प्रैक्टिकली, समझ गए ना, जिसको प्रैक्टिकली मालूम है तो वो अंधेरे में भी नहीं मार खाएगा, अंधेरे में कबूतर पकड़ के बता देगा कि हाँ मेरे हाथ में बहुत अच्छा कबूतर है। और जिसको खाली आँख से देख के पसंद करना आता है ना और प्रैक्टिकली नहीं आता, तो वो कभी अंधेरे में ऐसे कबूतर नहीं ले पाएगा। वो कहेगा कि टॉर्च जलाओ, मोबाइल की टॉर्च जलाओ, चालू करो, इस तरह कराएगा या चाने में ले जाके देखेगा, ठीक है ना। तो सम्राट भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, और ये इनके खास फ्रेंड है ये राहुल भाई, बहुत अच्छे हैं, इनकी आदत भी। क्या नाम? गोपाल। गोपाल, अच्छा सॉरी, गोपाल भाई, ठीक है गोपाल भाई। और काफ़ी इंजॉय किया दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा, इन्होंने घोड़े की राइड्स भी कराई, मज़ा आ गया, घूम फिर के आया, वो वीडियो भी शो करूँगा मैं। तो सम्राट भाई, इतना जुनून कबूतरों का भी ऐसा क्यों हो गया आपको यार, इतना शौक है सारा कुछ कबूतरों का भी, कैसे यार? डॉक्टर साहब बात ऐसी है, देखो कबूतर तो मैं बचपन से पालते आ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने कबूतर उड़ाना अभी शुरू किया, और मेरे को जैसे जैसे मैं कबूतर, मतलब जो कबूतर शौकीन है, जो कबूतर बाज है, उनको मिलने के बाद मुझे एक बात पता चली कि नस्ल के ऊपर काम नहीं हो रहा है, लेकिन दवाई के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। सही कह रहे हो। और देखो कबूतर एक है ना 250 ग्राम, 300 ग्राम या 400 ग्राम का एक जानवर है, छोटा सा जी, जिसमें थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाए तो कबूतर मर भी जाए आपका जी। आप उसको स्टेरॉइड्स खिला रहे हो, आप उसको दवाई खिला रहे हो,
उससे अच्छा है कि कबूतर बचपन से ही ऐसा पालो कि उसमें ताकत आ जाए। सही कह रहे हो, अगर कबूतर में ताकत है और वो अगर उसका ब्लड लाइन अगर अच्छा है ना, तो कबूतर को उड़ना ही उड़ना है किसी भी हालत में। कबूतर को हाँ वो उड़ेगा, यही यही हम अपने चैनल पे सिखा रहे हैं कि ब्लड लाइन बनाओ घर की, दूसरों की ब्लड लाइन पर मत कूदो, ऐसे अपना भी मेहनत करो, कुछ ऐसी कोई चीज बनाओ कि कबूतर बिना गोलियों के बिना नशे के शाम मारे। और आज यहाँ इनके साथ जो रफीक भाई आए तो वो कहता था ये हमारी जो ब्रीड है ना, ये मेरे दादा पर दादा की, मतलब उसमें से खानदान इनके पास एक ही कबूतर है, उसके बच्चे इनके पास हैं, और बच्चे देखो 42-47 टेम्परेचर में भी 3-4 बड़े आराम से बजा देते हैं वे, ठीक है। अब वो भी सीधे सिंपल घर का जो दाना पानी चल रहा है उसमें उड़ा रहे हैं। अगर खाली उनको बादाम पे लेके आ जाए ना, खाली बादाम पे, तो वो 3-4 जो बजा रहे हैं वो 6 बजा देंगे खाली बादाम पे। नुकसान लगाना तो बहुत दूर की बात है, तो ऐसी मेहनत करो। क्यों जी सम्राट भाई, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये देखो अभी जो हम कबूतर की जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, वो कबूतर एक्चुअल में ये जो बच्चे इन कबूतरों से पल रहे हैं ना, आप एक बात देखो, मलवई कबूतर और जो हम लोग ये शिकरे या लोखंडे कबूतरों से जो ब्रीडिंग कर रहे हैं ना, इनके जो बच्चे खन से बाहर आते हैं ना, घर से बाहर जो बच्चा आ रहा है ना, हाँ, वो बिल्कुल खन से बाहर आ गए कि तीसरे दिन बच्चा उठना शुरू कर देता है बिल्कुल। इतने हेल्दी बच्चे, दो दो एक ही जोड़े के नीचे दो बच्चे अगर पल गए तो दोनों बच्चे सेम साइज में सेम वेट में आ रहे हैं बच्चे। सही। और जितना आप मतलब मलवई में जाओगे ना, तो आप एक ही बच्चा ठीक से ले पाओगे, दो बच्चे पलवाना बहुत मुश्किल काम है मलवई में, उसको आपको हैंड फीडिंग होना बहुत जरूरी है। सही है, नहीं तो ड्यूटी ज्यादा मांगता जोड़ा फिर। एग्जैक्टली, टाइमिंग ज्यादा। मलवई अगर बच्चे आपको पलवाने हैं तो आपको सुबह शाम उनको माँ बाप के अलावा आपको खुद को हैंड फीडिंग करना बहुत जरूरी है, तब जाके वो बच्चे हेल्दी बाहर आएंगे। और जो बच्चे हेल्दी अगर वो थोड़े दो दिन का भी अगर उन्होंने पटका खा लिया खाने दाने पानी में, तो वो बच्चा आपके हाथ से निकल गया समझ। बहुत अच्छी बात है, सही कह रहे हो। दो दिन अगर बच्चे की ऊपर से आपकी नजर हट गई, एकदम तो बच्चा ऐसा हो जाता है, ऐसे डाउन होते चला जाता है उसकी बॉडी, बिल्कुल दो दिन में नजर हटी और दुर्घटना घटी। लेकिन ये जो ब्रीड है ना, इसको आप दो दिन नहीं, आप बच्चा होने के बाद उसको देखो भी मत, तो बच्चा बाहर आके तीसरे दिन बच्चा बाहर आया आप उसको फेंक दो ऊपर, बच्चा टाइमिंग मारना चालू कर देगा। सही कह रहे हो बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, ये हम रूम पे आ गए, अब यहाँ पर हमने आराम करना, पूरा दिन भाग दौड़ थके रहे, ठीक है ना। और इस वीडियो में एक छोटा सा भी मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं कि हमारा 20 तारीख को प्रोग्राम है मालेगांव में, सागर पाटिल भाई का नंबर मैं इस वीडियो में भी शो करूँगा, और इससे मॉर्निंग में भी एक वीडियो डालूंगा, उसमें भी शो कर दूंगा, स्पेशल एक छोटी वीडियो डालूंगा, ठीक है ना। जो भाई भी मुलाकात करना चाहता हो या कैसी भी नॉलेज कबूतरों की लेना चाहता हो, तो वहाँ मुलाकात कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।